किश्तवाड़ शहर में पानी की हाहाकार है और इंतजामिया जो है वो खामोश बनी बैठी है। किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कई अरसा दराज से लोग जो हैं वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कई बार हमने खबरें यहाँ से उठाई, सिर्फ किश्तवाड़ जिला हेडक्वार्टर से हमने खबरें नहीं उठाई बल्कि इसके जो आस पड़ोस के इलाके हैं वहाँ से भी हमने खबरें उठाई, मगर इंतज़ामिया जो है वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, लोगों का कहना है कि आज हम तीन तीन चार चार दिन से लगातार एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की एक स्कीम थी कि जल जीवन मिशन यानी हर घर नल जो था वो पहुँचाना था। इन्होंने कहा कि नल तो पहुँचाए गए मगर पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं आ रही है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर लाखों करोड़ रुपया खर्चने के बाद भी अगर लोगों को पानी नहीं पहुँच रहा है तो ये लाखों करोड़ रुपये खर्चने का मकसद क्या था फिर। इन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की स्कीमें जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर टोटली फेल हो चुके हैं क्योंकि लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के लोग जो हैं हर महीने जो है वो बिल जो है वो घर पहुँचा कर रख देते हैं मगर पानी का जो एक एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। इन्होंने आज एक प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया है। इन्होंने कहा है कि ज़िला इंतज़ामिया और जल शक्ति डिपार्टमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे जिसकी जिम्मेवारी यहाँ की इंतज़ामिया की होगी। क्या कुछ किश्तवाड़ की आवाम कह रही है आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तौसिफ जी, इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि काफ़ी अरसे से जो पानी की क्राइसिस जो रही है अभी भी क्राइसिस है। दो टाइम तो पानी मिलना दूर की बात है, एक टाइम पे जो पानी दिया जाता था वो भी अपने टाइम पे नहीं दिया जाता है। कहने की जो गर्जो गायत है कि आज जल जीवन शक्ति की तरफ से जो भारत सरकार की तरफ से करोड़ों अरबों अरबों की पाइपें बिछाई गई जो स्कीम के तहत, तो जो पुरानी पाइपें बिछाई गई हैं जो पुराने होज़ बने हुए हैं अभी तो ठीक से उन होज़ों में भी प्रॉपर तरीके से पानी नहीं आता है। जैसे नहर नईगढ़ की शक्ल में मल्टीपर्पज़ टनल की बात तो बहुत दूर की बात है, वो कब बनेगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम ये जानना चाहते हैं कि जल जीवन शक्ति विभाग के तहत जो करोड़ों अरबों की पाइपें बिछाई गई, होज़ बनाए गए, उनमें कब पानी आएगा कब नहीं आएगा ये बहुत दूर की बात है। फ़िलहाल तो फौरी तौर पे ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को जल जीवन शक्ति के जो एक्शन है या पीएचई डिपार्टमेंट के जो एक्शन है उनको एक्शन लेना चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए कि किश्तवाड़ में लोग पानी के लिए तरसते क्यों हैं। इनको टाइम से कम अगर एक ही टाइम इनको पानी देना है, दो टाइम नहीं दे सकते, एक टाइम तो कम से कम पानी अपने टाइम पर दें ताकि लोगों को राहत मिलेगी। फिर इसके आगे जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं मुझे लगता है कि ज़मीनी सतह पे ये फेल हो चुकी हैं, करोड़ों अरबों का तो खर्चा किया गया लेकिन आज आप देखते हैं कि लोगों का रोना और टाइम से पानी न मिलना, या अपने आप में ये बात साबित होती है कि ज़मीनी सतह पे ज़िला इंतज़ामिया भी या जल शक्ति डिपार्टमेंट या कोई भी मरकज़ी सरकार की तरफ से जो स्कीम ज़मीन पर लाई गई है या अपने आप में सारा सिस्टम फेल हो चुका है। अगर लोगों को जल्द से जल्द पानी टाइम से नहीं दिया जाएगा तो आने वाले कल में आप देखोगे कि लोग मजबूर हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए। तो हम इसीलिए आज एक ज़िला इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ के लोग न प्रोटेस्ट करना चाहते हैं न कोई इस तरह का कोई कदम उठाना चाहते हैं, वो खाली ये चाहते हैं हमें पानी दिया जाए और प्रोटेस्ट से पहले ज़िला इंतज़ामिया और पीएचई डिपार्टमेंट इस मसले पे एक्शन ले तो ताकि आने वाले काल में नौबत न पड़े जब लोग ज़मीनी सतह पे रोड पे आएंगे फिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म नहीं होगा तब तक जब तक कोई मुकम्मल हल नहीं होगा इस मसले।